अभी समीर भाई सिटी पर जाएंगे बस मैं कब जाएं पीछे अभी बस यहाँ पे क्यों रखी रुकी है कौन भाई बताएंगे आपको गेट ओपन अल्ताफ सर चंद्री अल्ताफ सर एरेशन टैंक अल्लाह सर सर क्या है वो फिल्टर टैंक फिल्टर टैंक होता है फिल्टर टैंक हाँ वो भी एक है वो थोड़ा एडवांस टेक्निक है ये वाला जो है ये क्लासिकल टेक्निक है जो हमारे पास टेक्सटबुक में बोला ना जी सर वो ये है उसमें जो है बेड नहीं है स्टैंड बेड नहीं है वो साइंटिफिक मेथड है जी सर क्लैरिफाई कर लो आप सचिन आई एम ऑफ दिस डब्ल्यू एंड फर्स्ट दिस इज स्टेप रावटर पहला क्या है ये रावटर है रावटर किधर से बोलते रिवर से आ रहा है रावटर ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं कैसिकेड एरिएटर बोलते हैं जो ये स्टेप में है ना इसको कैसिकेड बोलते बोलते हैं कैसिकेड एरिएटर बोलते बोलते हैं इसमें क्या आपको वर्क होता बोले तो इसमें पानी में क्या भी ओडर बैड ओडर रहता ना बैड ओडर इसमें एवोपरेट होता है एज ए एयर बैड ऑर्डर एवोपरेट होके आपका बैड ऑर्डर इसमें से बाहर जाता है ये फर्स्ट स्टेप होता है और नेक्स्ट स्टेप होता है फ्लैश मिक्सचर फ्लैश मिक्सचर में क्या करते हैं आपका पानी कैसा है एज ए कैरेक्टर आपका पानी कैसा है वो इसका टर्बिडिटी टेस्ट करके उसके ऊपर हम आलम डोजिंग करते हैं आलम उसके साथ साथ में ब्लीचिंग इस तरह से हम डोजिंग से केमिकल ऐड करते हैं वो जो पानी में का कितना भी आपका गंदगी रहता है ना ऐसे ऑर्गेनिक मैटर्स न्यूट्रिएंट्स और मड्डी पार्टिकल्स जो भी है ना उसको क्या करता है बोले तो अट्रैक्ट करता है आलम जो डोजिंग करते हैं ना वो अट्रैक्ट करता है अट्रैक्ट करने के बाद फ्लक्स क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं कोआगुलेशन चैम्बर इधर ये चैम्बर दिख रहे हैं ना आपको ये कोआगुलेशन चैम्बर बोलते हैं इसमें कोआगुलेशन फ्लॉकुलेशन सेडिमेंटेशन ये टोटल ट्यूब सेक्टर बोल के एक सेट आता है ये न्यू टेक्नोलॉजी इज ए ट्यूब सेक्टर बेटा जो पिछले आपके बुक में रहता है क्लैरी फ्लॉकुलेटर बोल के रहता है जो क्लैरी फ्लॉकुलेटर है इसका पीछे का वर्जन ये बना नेक्स्ट क्या है ट्यूब सेक्टर इसमें क्या है एज ए डोज करते हैं ना जो फ्लैश मिक्सर में आप आलम क्या डोज करते हैं वो डोज ट्रांसफर होकर उधर मिक्सअप होता है मिक्सअप होने के बाद कोआगुलेशन एज ए कोआगुलेंट क्रिएट होता है इसमें तो कोआगुलेशन होने के बाद फ्लक्स हर एक पानी में का जो भी पार्टिकल्स है ना वो एक फ्लक्स होकर क्रिएट होता है जो फ्लक्स होकर क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सेडिमेंटेशन जो पानी में का क्या भी फ्लक्स क्रिएट हुए ना वो पूरा सेडिमेंट होता है जो फ्रेश पानी ऊपर आता है जो सेडिमेंट पार्टिकल्स क्या भी है वो नीचे जाता है वो जो नीचे रहता है ना जो नीचे रहने का उसको स्लड बोलते हैं ये कुछ नहीं एरेटर है रोकने के लिए एरेटर फर्स्ट स्टेप है उसके बाद आलम मिक्स होता है जो दिख रहे हैं ना आपको मोटर दिखाना ऊपर उधर आलम मिक्सिंग होता है जो आलम मिक्सिंग होके वो पानी क्या है ट्रांसफर इधर आता है ये चैम्बर पे आता है ये चैम्बर पे क्या बोलते हैं आपको बोला मैं कोआगुलेशन चैम्बर बोलते हैं जो भी हम केमिकल डाले हो ना केमिकल डाले सो आपका पानी में का सभी मड्डी पार्टिकल्स न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक मैटर्स हर एक चीज का है पीछे पीछे कैसा अबे नहीं करता हमारा प्यूरिफिकेशन का यहाँ पे
अभी फर्दर वाटर फिल्ट्रेशन देखना है कारंजा डैम से पकड़ के अभी कटक चिंचोड़ी है वहाँ तक जाके पूरा वाटर फिल्ट्रेशन का देखना है। अरे डॉग ही डॉग हाँ वो जो अंदर चैम्बर है ना उसके अंदर वो गैसेस रहते हैं मैडम, वो जो अंदर जो कंपार्टमेंट्स है ये फिल्टरिंग यूनिट है यहाँ पे। हाँ वाटर सिस्टम का यूनिट, ये पूरा कंप्यूटराइज है और कंप्यूटराइज है। इधर ऐसा कुछ नहीं, फ्लॉकिंग है उसके बाद डायरेक्ट इधर आएगा फिल्टर के लिए। इधर बेड में स्टैंडर्ड मिक्स करके वो लैब में टेस्टिंग के लिए। ಇದು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೆ ಬಹುತ್ ಡೀಪ್ ಹೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಓಕೆ ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಂ ಸೇ ಹೋತಾ ಹೈ ಏಕ್ ಮಿನಟ್ ಠಹರೋ ಯಹಾಂ ಪೆ ಸರ್ ಕಾ ಯಹಾಂ ಸೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋತಾ ಹೈ ವಾಂ ಸೇ ಹೋತಾ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಕೋಯಿ ಅಗರ್ ಹೈ ತೋ ಉನ್ಕೋ ಬೋಲ್ನಾ ನಹೀ ತೋ ಹಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರೆಂಗೆ ಕೋಯಿ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಮೈ ವೋ ದೇಖ್ ರಹಾ ಹೂಂ ಕಿಸಿ ಕೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ ನಾ ಇಧರ್ ಅಂದರ್ ಕೋಯಿ ಹೈ ಯೇ ಸರ್ ಬೋಲ್ ರಹಾ ದೇಖ್ತಾ ಸರ್ ಮೈ ದೇಖ್ತಾ ಬಾತ್ ಕಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ इधर एलम मिक्सिंग है, इधर एरेशन है, एलम मिक्सिंग चैम्बर है, उसके बाद एलम मिक्सिंग चैम्बर के बाद वो कॉम्बिनेशन चैम्बर में जाता है। रोटेटर्स रहते हैं वहाँ पे, मैं बोलता हूँ। यस एवरीबॉडी कम हियर, बस अल्ली वड़क उसमें जो है उसके लिए सर चालू नहीं है, चालू नहीं किया आज क्यों पता नहीं, चालू था ये टैंक अभी बंद। तो वैसा सेम ही थे ना क्या एडवांस सी अभी ये यहाँ पे पानी स्टार्ट हो गए। हाँ पानी 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 हाँ पानी ड्यूटी एवरीथिंग साक्षी संयुक्ता जिंगो शिवानी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो ना इसका। ओ सर दे सर दे एडवांस है मॉडर्न है कंप्यूटर सब पूरा उधर कंप्यूटर देखो ना ये ऑपरेट कर रहा है ऑपरेट कर अबे ऑपरेट बोले तो कैसा है मॉनिटर कर लेता हाँ या सीपीयू तो अभी अपने का सीपीयू यह है मतलब माइक्रो सिक्योरिटी माइक्रो बोलते हैं वेजल है 20 वेजल 28 वेजल में उसकी क्या बात है एक को एक 30 सेकंड में पास कर देता है वॉश करके जो गलीज पानी है सो बैक वॉश में चले जाता है ओके ओके ना जो अच्छा पानी आगे कर देता है ओके ना बोले तो कोई प्लान को चले क्लैरिफाई मिल जाएगा तो थ्योरी में तो मिलना है स्टार्ट कब होगा स्टार्ट कब होगा स्टार्ट कब ये अभी हो जाएगा एक स्टार्ट हो जाएगा तो आप पूछ ले सकते हैं ओके हाँ ऐसा टाइम हाँ प्रैक्टिकल तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना अपना ओके ना स्टार्ट होने के बाद मैं प्रैक्टिकल भी बोल दूंगा ओके ना थ्योरी में इतना समझ नहीं आता ना थ्योरी में तो इतना समझ में नहीं आता आपको ओके ना प्रैक्टिकल में मालूम हो जाएगा आपको ओके ना प्रैक्टिकल दूंगा तो आपको मैं लेकर क्लियर प्रैक्टिकल में जो आपको डाउट होएगा तो वो पूछ सकते हैं अमित यादव हाँ अमित यादव फिल्ट्रेशन में इंडिया प्लस बोले तो 1-3 में रहता है यहाँ पे अभी मॉनिटर में इंडियन प्लस बोले तो बैकवाश बोले तो फिल्ट्रेशन का फिल्ट्रेशन पानी अच्छा अच्छा पानी फुल पानी प्योर एकदम फुल प्योर आगे भेज देता है और गलत पानी पूरा गलत पानी बोले तो पूरा पीछे भेज देता है चैम्बर में आप चैम्बर में देखें तो परेशान हो जाएगा ना चैम्बर में तो देखे तो परेशान हो जाएगा पूरा गंदा पूरा लेके गया था मैं ये कैसा पानी है बोलते देखिए अभी ये हो रहा है
स्टार्ट हो गए थे। देखिए ये माइक्रोफिल्टर पानी है, ये पानी माइक्रोफिल्टर है, यही पानी अपने को बाल्टी में जाए, आउटलेट पानी, यही पानी आउटलेट पानी। कुछ डाउट? प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर एम एफ। ओके क्लैरिफाई का मैं ऊपर बता देता हूँ, इतना पिला मजा आई। ओ अरे बोलो कुछ, 150 रुपए दे, बोलो कुछ, बोलो कुछ, बोलो। अभी ये खत्म हो गए ना, देखा खत्म हो गया तो क्या है अभी अगला स्टॉप टुडे और क्या मन ट्रिपल जा रहे हैं। So, इधर का सब प्योरिफिकेशन देख के हम उधर आगे चल रहे हैं, इधर बस खड़ा है और उधर हमारा बस है, और इसी बस में हम चलकापुर जाके बाद में हमारा कॉलेज को जाएंगे। ये हनुमान टेम्पल, हनुमान टेम्पल, हनुमान देवस्था, हनुमान टेम्पल, शॉपिंग कराची, शॉपिंग करणार श्रेया नाही। वो उधर गई प्रीति, उधर अभी हम यहाँ हनुमान जी के टेंपल में रुके थे 5 मिनट के लिए। अभी हमें यहाँ से कारंजा डैम जाना है। कारंजा डैम का जो मेन गेट है तो बंद था, तो गणेश भाई ने कैसे शॉर्टकट बताया जो अंदर से ऐसे आ गए हम, पैदल जाना पड़ता है, यहाँ से बस अंदर नहीं जाती, यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है हमसे। ये गणेश भाई की वजह से अभी हम कारंजा डैम पे जा पा रहे, क्योंकि मेन गेट तो ऑफ था तो वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल था। तो अभी अच्छा हुआ गणेश भैया हमारे साथ में। अभी यहाँ से हम जाएंगे, रास्ता देखो तुम लोग, आगे का रास्ता है थोड़ा कच्चा। वे फॉर वी गोइंग टू कारंजा डैम, द न्यू वे। जल्दी जल्दी निकालो इनको, चलो भरते भैया गाड़ी पे आए इन बकरियों को हटाने के लिए, बहुत दूर से आए भैया। ये यहाँ से जाना पड़ता है, अलाव नहीं है, अलाव नहीं है क्या? देख रहे भाई, मैं ऊपर जाके देखते थे ना, हम तो कुछ कर रहे हैं, मार रहे हैं, सुसाइड की इधर कोई तो सुसाइड केस है, तो उसके लिए वो अलाउ नहीं कर रहे, इधर से चलो, नहीं छोड़ेंगे वो गाड़ी में ठहर। सोचो तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये छोड़ रहा, साली छोड़ रहा है। वो किसी ने 2 दिन पहले यहाँ पे सुसाइड किया था, इसलिए उधर छोड़ रहे नहीं, छोड़ रहे शॉर्टकट रोड से भी। अभी हमें वापस जाना होगा, मेन गेट भी ऑफ है और इधर से भी ऑफ है। सुसाइड किया था क्या भाई? सुसाइड किया था इधर किसी ने, वो जाने नहीं देते परमिशन। परवानगी रद्द केलेली आहे, आम्ही परत जातोय घरी।
आदित्य सांग जरा कहीं नहीं जाए बिटी बोल बॉडी सैंपल दीजिए थे कौन जाऊन सुसाइड के लिए सुसाइड स्पॉट डिक्लेअर के लिए जाना हाँ जायला नहीं बैठ लेते चमड़ बस में बैठ के हम लोग वापस जाएंगे फिर घर पे जाके ब्लॉग भी एडिट करना है तो 3 दिन के अंदर ब्लॉग अपलोड हो जाएगा अगर आपको लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें